हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। पाप की ताकतों से लड़ने का तरीका, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार बाइबल बताती है कि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु शैतान से और अंधकार की शक्तियों से है, और आपको इन पर विजय पाने के लिए पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर जीत हासिल करना, क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं है जो आप शरीर की ताकत से जीत सके, परंतु आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से ही जीत सकते हैं। और जब तक पाप की ताकत आप पर भारी रहेगी तब तक आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। मेरे प्रियो, जब तक आपके ऊपर पाप की ताकत भारी होगी तब तक आप वही करेंगे जो आप नहीं करना चाहते और वो नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जब शैतान आता है तो वो बीमारी, कलेश और असंतुष्टि लेकर आता है, और जब शैतान जाता है तो वो अपने साथ बीमारी, कलेश और असंतुष्टि सब कुछ लेकर जाता है। लेकिन ये जाता कैसे है? बाइबल बताती है कि पुराने नियम में दाऊद जब जब लड़ा या कोई परमेश्वर का दास जब जब लड़ा तो उसे परमेश्वर ने आशीषित किया, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध आत्मिक है अर्थात शैतान से है, और अगर तुम शैतान पर विजय पाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पाप पर विजय पानी होगी। जब आपके जीवन में पाप होगा तो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो चीज वो आपको नहीं दे पाएगा। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे सारी आशीषें दी हैं और मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर मैं तुझे वो नहीं दूंगा क्योंकि तूने पाप कर लिया है। अब जो तलवार तूने बेतशेबा के पति पर चलवा कर उसे मरवा दिया है वही तलवार अब तेरे घराने पर चलेगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाप के कारण दाऊद ने अपनी आशीषों को खो दिया था और दाऊद की प्रार्थना दाऊद को नहीं बचा पाई, उसी तरह अगर आप खुद पाप में हैं तो आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा होने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो आत्माएं आपके घर को, आपके जीवन को, आपके व्यापार को प्रभावित करती हैं और आपको अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको पाप पर जीत हासिल करनी होगी, और पाप पर जीत पाने के लिए आपको पवित्रताई में चलना होगा, ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचनों को देना होगा, फिर आप शैतान से लड़कर उसको अपनी जिंदगी से दूर कर पाएंगे और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी कर पाएंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पाप की ताकतों पर जीत प्राप्त करके शैतान से लड़ूंगा और जीत कर अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।